हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चलिए अंजलिस वर्ल्ड। तो आज वो दिन है जिसके लिए मैं आई थी। आज है इनॉग्रेशन, आज है 26 जनवरी। भाभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? सारे रेडी हो रहे हैं, साक्षी नीचे, साक्षी रेडी हो रही है, ऊपर नीचे सारे रेडी हो रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं बिना रेडी हुए ब्लॉग शुरू कर दूंगी, पर बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि इतना ज़्यादा हॉचपच हो गया। तो अभी हम लोग अपने मतलब ये साकेत वाले घर में हैं और अब हम निकलेंगे फरीदाबाद भैया के नए घर। और आज मैं आपको सारा मतलब उनका पूरा घर दिखाऊंगी। उस दिन मैंने कुछ भी नहीं दिखाया था क्योंकि मतलब नहीं बनता था ना। आज दिखाऊंगी, मतलब सब कुछ दिखाऊंगी, बस बने रहो मेरे साथ। हम निकल चुके हैं घर से और इस कार में है भूमि, शिवानी, शिवानी की मम्मी, शरण भैया, शरण भैया, आरुष भी है नीचे। करो आरुष डांस करवा देगा। तो ये है बॉन भैया के बिल्डिंग की एंट्री। जी, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं घर, नए घर, और हमने अपना काम शुरू कर दिया डेकोरेशन का। अंदर बन रहा है खाना, मम्मी लोग उसको ड्राई फ्रूट्स कट करते हैं और अभी सारे धीरे धीरे आ रहे हैं, तो सब आ जाते हैं, फिर मिलवाते हैं। मैं आपको सब कुछ दिखा दिया धीरे धीरे करके। खाना बनने का प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका था, मैं आई हूँ लेट, पर जो भी चल रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ। जब बन जाएगा तब भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और बहुत सारा काम निपटा चुके हैं, रंगोली, थोड़ा बहुत जो भी डेकोरेट करना था वो, और थोड़ा बहुत जो भी इधर उधर करना था वो, और जो भी लोग आ रहे हैं मैं उनको बैक कैमरे से शूट तो कर ले रही हूँ, पर कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ को नहीं पसंद होता है, तो ट्राई करूँगी कि मैं सबसे मिल पाऊँ। और बस और कुछ नहीं चल रहा है, और मोस्टली आज आपको शॉर्ट थोड़े से बैक से ज़्यादा देखने मिलेंगे क्योंकि इतनी भीड़ में बोलना पॉसिबल नहीं हो पाता है और अच्छा भी नहीं लगता है कि कैमरा लिया और शुरू हो गया। अभी मैं बालकनी में आई हूँ तो मैं वहाँ पे आगे शूट कर रही हूँ, तो बाकी अगर कोई बोलेगा हाय हेलो करने तो मैं करवा दूंगी, नहीं तो जय माता दी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलो मैं सबसे आपको मिलवा देती हूँ। ज्योति दीदी, ये ज्योति दीदी, ये है नेहा। नेहा पहली बार ब्लॉग में आ रही है मेरे। हाय हाय का हाय नेहा दीदी, ये नेहा की लड़की जो नेहा जैसी बिल्कुल नहीं है। ये बुआ, बुआ मंजू बुआ, हेलो बोलो। बाकी भूमि, शिवानी, कुमकुम, जानवी, हिमांशी भैया, भाभी बुआ, एक बार और बोल दे यार, एक बार और बोल दे। हम अच्छे हैं बुआ, भतीजी अच्छी, मेरी बिटिया अच्छी। क्या बताया अंजलि, नाम लेके अंजलि का ब्लॉग कैसा है? अच्छा है, देखा तो नहीं आता। अंजलि का ब्लॉग अच्छा है? देखे एक दो ब्लॉग देखे हैं। ये देखो मिस्टर पवन कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, ओनर ऑफ द हाउस, होस्ट, आज के हमारे होस्ट मिस्टर सेंगर। हाँ जी, तो फिर हुआ पूजा का सिलसिला शुरू और मैं हाथ से कैमरा लेके शूट नहीं कर सकती थी इसलिए मैंने सब कुछ बैक कैमरे से शूट करा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ मंदिर जाते हैं कलश को लेके, और फिर वहाँ पे कलश की पूजा होती है, मंदिर में पूजा होती है, उस कलश को पानी से भरा जाता है,
बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया, तो प्लीज़ मेरी आप आवाज़ को अवॉइड कर। वीडियो आ गई बाबू, फोटो लो। फिर यहाँ पे ये पूजा शुरू हुई, पवन भैया ने पूजा करी, बड़े भैया और भाभी ने पूजा करी, फिर पूजा ख़त्म हुई और फिर हम निकले वापस घर के लिए। और अब भारी थी, अब भारी थी कलश भर के घर जाने की, तो हम लोग सारे एक साथ घर निकल गए। भाभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और भैया हमेशा की तरह बहुत प्यारे लग रहे थे। पवन भैया बहुत, उनके चेहरे पर एक अलग ही टाइप का ग्लो था, एक खुशी थी। फिर हमारे घर में जब भी नया घर होता है तो तुलसी का पेड़ रखा जाता है, तो उसका भैया ने गमला उठाया और फिर हम सारे पहुँचे ऊपर। और फिर जब ऊपर पहुँचे तो गेट पे पूजा होती है तुलसी की और उस कलश की, तो वहाँ पे बैठे भैया भाभी और पवन भैया दोनों ने मिलके पूजा करी। अलग ही माहौल था, मतलब वो फीलिंग मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप मेरे प्लीज़ वॉइस को अवॉइड करें क्योंकि बहुत ज़्यादा जुकाम है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको सब कुछ बताऊँ, क्योंकि जब अगर मैं म्यूज़िक डालती हूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आता। तो कुछ देर तक ये पूजा चली, पूजा चलने के बाद हुई एंट्री, जो कि एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची के साथ करी गई और बहुत ही उस टाइम पर तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। सारे घर में आए और सारे बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि प्राउड फील होता है, क्योंकि मतलब अच्छा फील होता है, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। फिर घर के अंदर आए और घर के अंदर जो नौकरे की पूजा होती है वो पूजा हुई और इसके बाद हवन शुरू हुआ। हवन सबने बैठकर एक साथ हवन करा और हवन के बाद थोड़ा बहुत खाने पीने का सिलसिला शुरू होता है। तो अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और सब बैठे हुए, तो सबसे पहले कन्याओं को खिलाया गया और सारा देखा जा रहा था कि कहाँ से क्या शुरू करा जाए। यहाँ पे भैया मुझे बोल रहे हैं अंजलि जल्दी कर, प्लीज़ सबको जल्दी जल्दी खिला शुरू कर, बहुत लेट हो गया है। तो सारी कन्याएं बैठ गई थी, पर मेरा पता नहीं क्यों लास्ट में इतना ज़्यादा सर दर्द होने लगा था कि मैं बैठ के नहीं खिला पाई किसी को। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खिलाया पिलाया और मैं जाके आराम से कोने में बैठ गई और मैं इन लड़कों की बातें सुन रही थी और मैंने सोचा कि कैप्चर करना बनता है क्योंकि ये मेमोरीज हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये सारी लड़कियाँ करके बैठ गई, ये गौरी है और ये जो पिंक स्वेटर में, ये नेहा की बेटी लब्बो है और पता नहीं इसका मुंह क्यों बना हुआ है। ये सारे बैठे हैं खाने का वेट कर रहे हैं, खाना आए तो फिर ये खाएं। फिर सब ने खाना, मतलब खाना परोसना शुरू हो गया और मैं जाके बैठ गई अंदर। मैंने पूछा ही नहीं, मैंने भैया को पहले बोला कि भैया से पूछती हूँ भैया कैसे फील हो रहा है, भैया ने पहले जवाब दिया। अच्छा, और पवन भैया ने फ्लैट ले लिया, वो कैसे फील हो रहा है आज इनॉग्रेशन का? और भैया का भी फ्लैट यही साइड में, पर भैया के घर में इनॉग्रेशन बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आप बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मेरे हाथ में कैमरा आया है, अब मेरे हाथ में कैमरा आया तो मैं थोड़ा बहुत बात कर रही हूँ। इससे पहले सारे बैकशॉट मिलने आई थी कब को, बस कुछ नहीं, अब पूजा वूजा सब खत्म हो चुकी है, थोड़ी देर में खाना खाऊंगी, बहुत तेज भूख लग रही है। बस सुबह हमारा चिल कर रहे हैं, सुबह से लेट जाते हैं, आगे बार बार नंबर में है, जो काम वही करेंगे, क्या अलग से काम करने लगे, बना के करो काम करो, बस बहुत देर हो गई। जम के अच्छे हैं मेरे, अच्छा ये मेरे से भी पूछ रही है तुम कौन सी मौसी हो, क्योंकि मैं दूर रहती थी, मेरे को बच्चे बचाते नहीं है, ये मेरी बुआ की बेटी की बेटी है, बोल दो हाय। अपना नाम बता दो, क्या मेरे से अंजलि मौसी आपके झुमके अच्छे हैं, सुना तो दे। Yeah.
ये लड़कियां जा रही हैं, मैं यहाँ पर कल आप बैठ गया, पता नहीं आप आवाज जा रही है। बाकी मैंने होम टू मतलब अभी घर दिखाया नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो सारी चले जाएंगे, मैं घर जाऊंगी, है ना। तो बाय बाय। मैं तो अभी कपड़े चेंज, ज्योति दीदी ने भी कर लिए कपड़े चेंज, प्रिंसी ने चेंज नहीं करे, ये करने जा रही है। पर आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, मेरा और प्रिंसी का, जो कि किसी को अभी तक नहीं पता है। वो सीक्रेट ये है कि जब भी हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है ना, मैं और प्रिंसी चुरा के लास्ट में कुछ खाते हैं। ये पहली बार आज पूरे घर को पता लगेगा। मैं प्रिंसी आज आपको दिखा रहे हैं, आज दिखा रहे हैं मंथली ब्लॉगिंग करते हैं, ये बनता है। तो आज ज्योति दीदी भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गई, भाभी तो भी कर लेंगे, भाभी हम लोग शामिल कर लिया, वो है भाभी और ज्योति दीदी। चलो चीयर्स। आज हमारी पार्टी बहुत अच्छी हुई, उसके लिए सब कुछ बहुत अच्छा हुआ उसके अंदर, और बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग है उसके लिए, है ना। तो बुआ कैसी रही का पार्टी आज? वो अच्छी। कैसा लगा आपको घर? घर कैसा लगा? बढ़िया। आपको घर कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ऐसा पवन भैया से कुछ कहना चाहती हो? पवन भैया से कुछ कहना चाहती हो? भैया के लिए कुछ कहना चाहती? कुछ भी थोड़ा सा अच्छी सी दो लाइनें। इनके बारे में कुछ कहना चाहती हो? वो बहुत काम है लेने। पापा आप क्या कहना चाहते हैं पापा भैया के बारे में? प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हाँ? और खाना बहुत अच्छा बना था, और बढ़िया हुआ, मकान हो गया, इसकी शादी हो गई, शादी और करनी है। और भैया के लिए कुछ? भैया के लिए कहा ऐसी है, दिन दूनी रात चौकनी, आगे जाए। तो इनसे मिलो, ये हमारे फूफा जी, इनके वाले। कैसी रही आज की? बढ़िया रही। मजा आई? खाना बढ़िया तो? अरे यार बुआ लो। हाँ बताओ, ये है शालू जीजा, इनमें ज्योति दीदी तो है नहीं आते। जीजू बताओ, जीजू बहुत बढ़िया रही, मजा आ गया। क्या कहना चाहते हैं आज के समारोह के बारे में? धीरे ले, अब तुम्हारी आवाज बैठ गई, वैसे बहुत चक्कर चल रहा है वो। बढ़िया, आज के बारे में पवन का गृह प्रवेश हो गया मकान का, खाना पीना बढ़िया, पार्टी हो गई, वेरी गुड। पापा तुम क्या कहना चाहोगे? अच्छा नहीं, हमसे ज्यादा गौरी को मजा आया, डबल डबल पिज्जा खाई। अच्छा हाँ, और क्या है? बाकी कैसा लगा तुम्हें पूरा फंक्शन? अच्छा खेलेंगे ना? कैसा लग रहा है? कुछ करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसा रहा फंक्शन? सबके सामने ही है भैया, कितने बोले लग रहे हैं ना। एज क्या बोलूं, मेरा गला बैठ गया। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या बोलना चाहते हो? पीयूष बढ़िया था। आप शिवा, आप क्या कहना चाहते हैं भैया के बारे में? भैया के बारे में, फ्लैट आज के बारे में, भैया के फ्लैट के बारे में? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा मजा आया, एकदम चिल किया। कल से सोए नहीं है। और भैया के लिए कुछ कहना चाहते हो? भैया के लिए क्या कहेंगे यार, दो लाइन है, सबने देख लिया है, भैया बहुत ही प्यारे हैं, स्वीट है भैया, भैया सुनाई दे रहा है। और क्या है? बस थोड़े से हैंडसम है। और भैया थोड़े से हैंडसम है, और बस इतना काफी है, इतना काफी है, बाकी सब बता ही चुके हैं भैया। बहुत अच्छा लगा, और क्या चाहिए?
तो बस हम सारे बैठ के बातें करेंगे और आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी भाई अपना लेके बैठा यू के ले ले, वो लेकर जा रहा है। हम थोड़े भजन भजन गाएंगे उसके बाद। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का